यार एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात है तो हम कौन सा लें, मार्केट में बहुत सारे हैं। चलो हमने एक फाइनल कर लिया, ओला कंपनी का लेना है। अब ओला कंपनी के अंदर भी 6 प्रोडक्ट है। अब 6 प्रोडक्ट में से कौन सा लें, फिर हम डिसाइड करते हैं अपना बजट। मान लिया आपका बजट 90,000 रुपये के आसपास है। अब 90,000 के बजट के अंदर ओला के 2 वेरिएंट हैं, ओला S1 एयर एंड ओला S1 2 किलोवाट बैटरी पैक के साथ। अब इन दोनों में से कौन सा चॉइस करें, तो ये वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं ओला S1 के साथ, 3 किलोवाट बैटरी पैक के साथ वाला मेरे पास व्हीकल है ही, उसके डिटेलिंग वीडियोस आपको चैनल के ऊपर काफी सारे मिल ही जाते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं आपसे ओला S1 2 किलोवाट बैटरी पैक, जिसका प्राइस कितना है, कंपनी ने स्टार्टिंग में कितना रखा था, 1,00,000 रुपए। कंपनी को कम करना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार प्राइस वर्थ इट नहीं है, तो कंपनी ने अभी प्राइस कितना कर दिया है, 90,000 रुपए। वहीं ओला S1 एयर 2 किलोवाट बैटरी पैक के साथ कितने का आ रहा है, 85,000 रुपए का। अब डिफरेंस कितना हो चुका है, सिर्फ 5,000 रुपए का। तो अब ये 5,000 रुपए का डिफरेंस जो है ना, ये आपको देखना चाहिए या नहीं, क्या हमारे को ओला S1 लेनी चाहिए या फिर ओला S1 एयर। तो अभी आज के इस वीडियो में अपन यही बात कर रहे हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। पहली चीज़ तो अपन बात कर रहे हैं लुक्स से, क्योंकि अपने वीडियोस के अंदर सबसे पहली चीज़ होती है लुक्स। हम लुक्स का कंपैरिजन करते हैं जितने भी कंपैरिजन वीडियो है। यहाँ पर ज़्यादा लुक्स में डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर सेम है। डिफरेंसेस जो है ना, वो थोड़े बहुत डिजाइनिंग पार्ट में डिफरेंस है। जैसे फ्लैट डैशबोर्ड मिल रहा है S1 एयर के अंदर, ओला S1 में मिल रहा है आपको हेम्प डैशबोर्ड, जहां पर आप नीचे कुछ सामान नहीं रख सकते। सेकंडली ओला S1 के अंदर पिलियन राइडर के लिए बैक साइड में सपोर्टर के लिए कुछ भी नहीं है, हमारे को आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ता है। वो जो भी बैकरेस्ट आता है उससे लुक पूरा गंदा हो जाता है। मैंने तो नहीं लगवाया है, अगर आपने लगवाया तो कमेंट में जरूर बताना। अभी ओला S1 एयर के अंदर क्या हो रहा है, अभी इन्होंने दे दिया ग्रैब हैंडल, तो ग्रैब हैंडल से पिलियन राइडर को थोड़ा कंफर्टेबली बैठने में अच्छा लगेगा, उसको रहेगा कि नहीं मैं सेफ हूँ, मैं पीछे नहीं गिरूंगा। एंड थर्ड चीज़ जो आपको डिफरेंस नजर आएगा ना, वो है सस्पेंशन में। ओला S1 के अंदर आपको सिंगल सस्पेंशन मिलता है, लेकिन हाँ अब भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि अब जो सस्पेंशन आ रहा है ना, उसके अंदर वहाँ पे एक सपोर्टर भी लगा हुआ है। ओला S1 एयर की बात करें तो ओला S1 एयर के अंदर आपको जो है वो ड्यूल सस्पेंशन मिल जाते हैं, जिस पे हम सालों से भरोसा करते हुए आए हैं। और अब अपन आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिकेशंस पे। स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या चीज़ आती है, मोटर, बैटरी जो कि 2 किलोवाट आर है, इसके ऊपर तो ज़्यादा बात करनी नहीं है। रेंज की जरूर बात करेंगे कि रेंज एक्चुअल में कितनी मिलेगी रियल वर्ल्ड में। मैं चला रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं जो बताऊँगा ना आप नोटिस कर लेना, जब भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगे तो उसके आसपास ही रेंज मिलेगी, 1-2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर का हाईएस्ट फर्क पड़ सकता है। फिर अपन बात करेंगे इसके अंदर इसकी प्राइस की, कि ऑन रोड प्राइस क्या पड़ती है और आपको इन दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, ये भी मैं आपको फाइनली बता ही दूंगा। तो अभी अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले मोटर की। मोटर में डिफरेंस है, इसीलिए हम सबसे पहले मोटर की बात करते हैं। मोटर में क्या डिफरेंस है, ओला S1 के अंदर आपको मिलती है मिड ट्रिम मोटर, जिसकी पावर सच में काफ़ी ज़्यादा है। पावर कितनी है, 8,500 वाट की। और जब उसको चलाते हो ना, तो जो जर्क फील होता है ना, वो सच में लाजवाब होता है। अभी तक मैंने जितनी भी अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाई है ना, किसी में भी मुझे इतना पावर नहीं दिखा है। फिर आते हैं अभी S1 एयर के ऊपर, तो S1 एयर के अंदर आपको मिलती है हब मोटर, जिसकी पावर कितनी है, 4,500 वाट की। अब 4,500 वाट की पावर भी मुझे लगता है ठीक ठाक होती है, क्योंकि मैंने TVS iQube चलाई है। TVS iQube की पावर कितनी है हब मोटर के साथ, 4,400 वाट की। डिफरेंस कितना, 100 वाट का, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो पावर जो TVS iQube के अंदर मिल रही है, वही आपको इसमें भी मिलेगी। तो अगर आपको पहले ही ये देखना है कि पावर क्या होगी, तो आप एक काम करो, टेस्ट राइड ले लो TVS iQube की। अब हब मोटर ज़्यादा अच्छी होती है या फिर मिड ड्रिम मोटर, मेरा मानना है मिड ड्रिम मोटर। रीज़न क्या है, मिड ड्रिम मोटर यार देखो पानी के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, मतलब अपने गहरे पानी में चले गए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हब मोटर में ऐसा देखा गया है कि अगर आपने काफ़ी ज़्यादा पानी में चली गई है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो। बाकी अभी भी मार्केट में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल आउट हुए हैं, फिर वो चाहे चाइनीज़ कंपनी के हो, चाहे वो किसी ब्रांडेड कंपनी के हो, उनमें से 70% जो स्कूटर्स हैं ना, वो हब मोटर के साथ ही आ रहे हैं। तो इतने सारे स्कूटर्स चल रहे हैं हब मोटर के साथ, तो हब मोटर भी ठीक ठाक काम कर रही है अभी की डेट में। अब बैटरी की बात करें तो दोनों के अंदर 2 किलोवाट आर की बैटरी लगी हुई है। रेंज के अंदर कंपनी कितना डिफरेंस बता रही है, 3 किलोमीटर का, लेकिन एक्चुअल में जो है ना, रियलिटी बताऊं मैं आपको, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 2 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ आपको रियल रेंज, आप अगर नॉर्मली सड़क पे चला रहे हो ना, तो आपको रियल रेंज मिलने वाली है। जैसे कंपनी कितनी बता रही है, 91 किलोमीटर, लेकिन मैं मानता हूँ रियल रेंज जो है ना, वो आपको नॉर्मल मोड के ऊपर 60 किलोमीटर ही मिलेगी। इको मोड के ऊपर आपको 75 के आसपास मिल सकती है। दोनों के अंदर सेम इस पोजीशन रहेगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप 2 किलोवाट आर बैटरी पैक ही लो अगर आप छोटी सिटी में रहते हो तो, और अपना पैसा बचा लो। और उन लोगों से तो खास मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ओला S1 एयर ही लेना जिन्होंने ओला S1 एयर पहले बुक कर ली थी। जैसे इन्होंने 9 फरवरी को जो इवेंट किया था ना, उससे पहले जिन्होंने भी बुक कर रखी थी, वो लोग को ओला S1 एयर ही लेना, क्योंकि उनको 3 किलोवाट आर बैटरी पैक वाला वेरियंट मिलने वाला है, जो कि अभी की डेट में 1,00,000 रुपये का एक्सोरूम है। आपको कितने मिल रहा है, 85,000 या फिर 80,000 रुपये में। ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ मैं आपको, ओला S1 2 किलोवाट आर बैटरी पैक के
साथ ऑन रोड प्राइस 1 लाख रुपए के आसपास होगा, और S1 एयर का जो है ना ऑन रोड प्राइस 2 किलोवाट बैटरी पैक के साथ 92 से 93 थाउजेंड के आसपास होगा, जिसमें आपको दोनों के अंदर सब्सिडी मिल जाएगी अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है तो। सब्सिडी कितनी होती है? 10,000 रुपए के आसपास। तो अब एंड करते हैं, एंड से पहले मैं आपको एक बार थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन और बताना चाहूंगा। तो और स्पेसिफिकेशन में क्या है, जैसे बूट स्पेस 2 लीटर का फर्क है, उला S1 के अंदर 36 लीटर आएगा, S1 एयर के अंदर 34 लीटर आएगा। यहाँ पे टायर्स की बात करें तो दोनों के अंदर आपको 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, लेकिन व्हील में डिफरेंस है। उला S1 के अंदर आपको एलॉय व्हील नजर आते हैं, वहीं साथ में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ओला S1 एयर के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, और यहाँ पे आपको जो व्हील्स है वो नॉर्मल व्हील मिलेंगे, एलॉय व्हील नहीं। वारंटी दोनों पे सेम रहेगी, 3 साल 30,000 किलोमीटर, लेकिन एक्सटेंडेड वारंटी आप जरूर ले लेना अगर आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा गाड़ी चला लोगे। और ओला केयर प्लस अगर आपको हाफ रेट में मिल रहा है तो वो भी जरूर लेना, क्योंकि केयर प्लस सच में यार काफी ज्यादा हेल्पफुल है जितना मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है। क्योंकि ओला S1 के अंदर ना सॉफ्टवेयर बेस काफी बार प्रॉब्लम आ सकती है आपके, मतलब मिड रोड पे चल रहे हो सॉफ्टवेयर बेस कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ओला केयर प्लस ले लो, बेस्ट है, टेंशन फ्री, हम 1 साल तक गाड़ी को बिंदास चलाएंगे। तो यही सब कुछ कंपैरिजन होता है जो हमको मेजर करना होता है, और मैंने आपको पूरे इस वीडियो के अंदर ये भी बता दिया कि आपको किस तरीके से डिसाइड करना है आपको कौन सी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना है, S1 एयर या फिर S1। तो ये वीडियो मैं यही एंड करना चाहूंगा। इसके अलावा भी कोई आपके डाउट्स है जो कि रह गए हो इस वीडियो में तो कमेंट में जरूर पूछना, पूरी कोशिश करूंगा आपको जल्दी जल्दी रिप्लाई देने की। बाकी हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है ही, इस पे भी आप कॉल कर सकते हो अगर आपका ओला S1 ही है तो, हमारे जो प्रोडक्ट है वो भी आप परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। ओके बाय।